सो हे गाइज, वेलकम बैक टू टेक्नोचार्म यूट्यूब चैनल। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो खुद भी एक यूट्यूबर हैं। तो वहाँ पे वो लोग चाहते हैं कि हमें एक ऐसा पीसी मिल जाए जिसके अंदर हम लोग गेमिंग कर लें, स्ट्रीमिंग कर लें, और अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है तो उसको फिर वीडियो एडिटिंग भी करनी पड़ती है, फिर चाहे वो अपने फ़ोन में करे चाहे वो अपने पीसी में करे। तो अगर कोई ये गेमिंग पीसी ले रहा है, स्ट्रीमिंग के लिए भी उसको यूज़ करने वाला है, तो वहाँ पे वो यही चाहेगा ना कि उसको एक जो पीसी मिल रहा हो उसी के अंदर वो एडिटिंग का भी काम कर ले अपना। तो मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं कि भाई कोई एक ऐसा पीसी बता दो जो ऑलराउंडर हो और हम उसको लेकर अपना जो यूट्यूब का करियर है वो स्टार्ट कर पाएँ, वो भी कम से कम बजट के अंदर। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताने वाला हूं कि आपको कैसे कंपोनेंट्स यूज़ करने चाहिए अगर आपको एक ऑलराउंडर पीसी चाहिए यूट्यूब के लिए और साथ ही में कम से कम बजट के अंदर। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को शुरू। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ ही में दबा दो बेल आइकन को। तब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं सीपीयू से। तो यहाँ पे आप लोग एएमडी का राइजन 3 3300X को यूज़ कर सकते हो। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स, 3.8 GHz की इसकी बेस क्लॉक स्पीड है और 4.3 GHz इसकी मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक स्पीड है। टोटल 18 MB की यहाँ पे आपको कैच मेमोरी देखने को मिलती है। फुल्ली अनलॉक प्रोसेसर है, यानी कि आप लोग इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। और राइजन की 3rd जनरेशन के ऊपर ये वाला प्रोसेसर बना हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलती है 7 नैनोमीटर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी। और TDP की बात करें तो यहाँ पे आपको 65 वॉट की TDP देखने को मिलती है। तो ये प्रोसेसर आपको गेमिंग, स्ट्रीमिंग, साथ ही में 1080p पर अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग करते हो तो बहुत आराम से ये वाला प्रोसेसर करवा देगा। और ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आप लोग NVIDIA का GTX 1650 सुपर लगा सकते हो, जो कि 4GB की GDDR6 टाइप की VRAM के साथ में आता है। और गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे आप लोग 1080p की गेमिंग कर सकती हो। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर आपको आराम से कई सारे गेम्स के अंदर 60+ FPS देखने को मिल जाएंगे। और वीडियो एडिटिंग भी ये वाला ग्राफिक कार्ड आपको आराम से करवा देगा, क्योंकि 4GB VRAM के साथ में आप लोग 1080p पर आराम से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। और प्राइस की बात करें तो ये आप लोगों को आराम से ऑफलाइन मार्केट में 13,500 रुपीज़ में मिल जाएगा। और राइजन 3 3300X जो है वो आपको ऑफलाइन मार्केट में 11,500 रुपीज़ के अंदर आराम से मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। तो यहाँ पे हम लोग वैसे भी एक कम से कम बजट के अंदर पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम मदरबोर्ड पे ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाले हैं। साथ ही में यहाँ पे हम कोई रैम ऐसी नहीं लेंगे जो RGB में हो, या मदरबोर्ड ऐसा नहीं लेने वाले हैं जो RGB आपको देता हो। तो RGB का तड़का इस बिल्ड के अंदर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बस थोड़ी बहुत RGB आपको कैबिनेट के ही अंदर मिलने वाली है, बाकी और कहीं आपको RGB देखने को नहीं मिलेगी। तो बात करते हैं मदरबोर्ड की। तो यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं MSI का B450M Pro VDH Max मदरबोर्ड। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं टोटल 4 DIMM स्लॉट्स। तो आपके पास में एक ऑप्शन रहता है रैम को अपग्रेड करने के लिए। तो शुरू में यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 RAM sticks लगाने वाले हैं 8 8 GB के। तो टोटल आपको 16 GB के रैम इस बिल्ड के अंदर मिलने वाली है। और इस मदरबोर्ड में आपको डिसेंट सी VRAM और हीट सिंक देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे पोर्ट्स की बात करें तो सारे नॉर्मल जो पोर्ट्स होते हैं आपको मिल जाते हैं। और कोई भी कंपोनेंट बाय करना हो या फिर उसकी फर्दर डिटेल्स चाहिए हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। और रैम की बात करें तो टोटल यहाँ पे आपको मिनिमम 16 GB की रैम लगानी चाहिए वीडियो एडिटिंग, स्ट्रीमिंग जैसे टास्क के लिए। तो यहाँ पे आप लोग XPG की रैम लगा सकते हो, जो कि 3200 MHz पर आती है। तो यहाँ पे आपको टोटल 2 स्टिक्स लगानी है 8 GB वाली, तो टोटल आपका 16 GB रैम हो जाएगा। बाकी अगर आपको फ्यूचर में कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आप और अपग्रेड कर सकते हो। और इस बिल्ड के हिसाब से 450 वॉट की पावर सप्लाई इनफ है, लेकिन अगर आप लोग फ्यूचर को देखते हुए पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो आप लोग 550 वॉट की भी पावर सप्लाई लगा सकते हो। बट हम कम से कम बजट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग 450 वॉट की पावर सप्लाई लगा सकते हो कॉर्सेयर की। तो कॉर्सेयर की VS450 आपको मिल जाएगी ऑफलाइन मार्केट में 2600 या 2700 रुपीज़ के अंदर। या फिर अगर आप लोग कूलर मास्टर की लगाना चाहते हो तो आपको कूलर मास्टर की भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस के अंदर मिल जाती है ऑफलाइन मार्केट में। और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आप लोग 1 TB की हार्ड ड्राइव लगा सकते हो 7200 RPM वाली। तो 3000 रुपये के अंदर आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट में आराम से मिल जाएगी सीगेट की बेराक्यूडा, या फिर आपको WD चाहिए तो वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस के अंदर मिल जाती है। और आज के टाइम में अगर आप लोग कोई भी PC बिल्ड करते हो तो वहाँ पे एक SSD का होना ज़रूरी है, ताकि आप उसके अंदर अपना विंडोज़ को इंस्टॉल करो, आपका जो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आपका जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो वहाँ पे जो आपकी परफॉर्मेंस होती है, जो टाइमिंग होती है, वो आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है।
मतलब कि जो आपकी विंडोज़ है उसका बूटिंग टाइम कम हो जाएगा और आपका जो वीडियो रेंडरिंग का टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस वजह से आपका जो टाइम है वो भी बचेगा और आपको एक फास्ट एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। तो मिनिमम 240 GB की आप यहाँ पे एक SSD को लगा सकते हो, किंगस्टन की तरफ से या फिर WD की तरफ से, कोई भी ब्रांड आप लगा सकते हो। इस टाइम पे SSD के जो प्राइसेज है वो काफ़ी कम है, तो 2500 या 2600 रुपीज़ के अंदर आपको एक 240 GB की सेट SSD देखने को मिल जाएगी। और कैबिनेट की बात करें तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से कैबिनेट लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कम से कम बजट की, तो आप लोग एंटी स्पोर्ट्स का IS 200 TG लगा सकते हो, जो कि 2600-2700 रुपये के अंदर आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाता है। और अगर उससे भी कम बजट में आप जाना चाहते हो तो एनटेक का आपको मिलता है एनटेक NX 200, तो वो थोड़ा और कम बजट के अंदर आ जाता है। लेकिन जो लुक्स हैं वो एंटी स्पोर्ट्स के IS 200 TG है उसके थोड़े ज़्यादा बेटर हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। तो बस ये था हमारा आज का PC बिल्ड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कर देना। साथ ही में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में दबा देना बेल आइकन को। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ऑसम, गुड बाय।